हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास 6 से 12 की एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ चल रही है पॉलिटी की, जिसमें हमने अपना क्लास 6 और 7 कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपना क्लास 8 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी ने भी मेरी क्लास 6 और 7 की सीरीज़ नहीं देखी है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर आपको क्लास 6 से 12 एनसीईआरटी किसी भी सब्जेक्ट की या स्टैंडर्ड बुक यूपीएससी के लिए आपको नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारा चैप्टर 1 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग सब जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें होता क्या है एक्चुअली में। नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट लेज्ड आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। ये क्या करता है, ये हमें एक आइडिया बताता है कि हम किस टाइप के कंट्री में रहते हैं, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वो किस टाइप की कंट्री है, कैसी वहाँ के कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहाँ की क्या फीचर्स हैं। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि हमारा फंडामेंटल सोसाइटी का एक फंडामेंटल नेचर क्या है। ठीक है, अ कंट्री इज़ यूजअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इशूज। ठीक है, एक कंट्री होती है वो क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज से मिल के बने होते हैं। एक जब कंट्री फॉर्म होती है हमारी, तो एक कंट्री में सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग नहीं होते, काफ़ी कम्युनिटी के लोग मिलकर एक कंट्री बनाते हैं। ठीक है, जो ये पॉसिबल है कि वो लोग काफ़ी इशू पर एक जैसा बिलीव्स रखते हैं, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं होता है कि वो हर बात पे एक ही जैसा सोचे और एक दूसरे से क्या करे, एग्री करे। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वॉन्ट द कंट्री टू बी गवर्न। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस एक प्रिंसिपल बनाने में हेल्प करता है, जिससे क्या कर सके, जिससे वो कंट्री के लोग उसी बेसिस पे क्या कर सके, चल सके, और हर कोई के लिए क्या हो, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ हो, और एक जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सके, उन सबको क्या कर सके, उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग गवर्न कर सके। ओके, इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन, सॉरी हमने एक पॉइंट छोड़ दिया, दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं है कि इस टाइप की गवर्नमेंट हमारी चल रही है, ये हमें एक आइडियल बताता है कि हमें क्या करना है, इसको फॉलो करना है, ये जो कहता है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ये इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सबके लिए क्या है, इक्वल है, एक जैसे है। Important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. सबसे important purpose क्या होता है constitution का, कि वो एक political system जो है उस country का, उसके nature को अच्छे से क्या कर सके, define कर सके, कि वहाँ का जो political system है वो कैसा है। For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the किंग, या सॉरी काइंड लिखा है, किंग होगा एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कि जो नेपाल के जो पहले का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि वहाँ पे कौन रूल करेगा, वहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रूल करेंगे और वहाँ का किंग रूल करेगा, वो जो बोलेंगे वही होगा।
इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज. जो कंट्री क्या डेमोक्रेटिक फॉर्म अपनाती है उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी पार्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि जब तक एक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहेंगे, सबका एक आइडिया नहीं रहेगा, एक डिसीजन मेकिंग नहीं रहेगा, ताकि क्या करेंगे जब रूल्स एंड रेगुलेशन हो तो वो पूरी सोसाइटी को क्या हो, डिसीजन मेकिंग में आसानी हो. इसके की फीचर्स क्या क्या है? द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का मतलब आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो दो, एक सेंटर लेवल पे काम करती है और एक स्टेट लेवल पे काम करती है, ठीक है, कि ये बटे हुए मोनोपोली नहीं है कि एक लोग सिर्फ काम नहीं करता. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, फिर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा होता है. सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पे क्या है, पावर्स बटे हुए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी में, ठीक है, आप लोग ये सब डिटेल क्लास 11th में पढ़ेंगे. और फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे हमें कुछ फंडामेंटल्स राइट दिए हुए जो सबको क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल बनाता है. ओ माय गॉड, सॉरी फ्रेंड्स. ठीक है, ये हमें क्या करता है, एक दूसरे की एकदम भी इक्वल बनाता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है. द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इंक्लूड, जो हमारा फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. तो फर्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी का मतलब है सब एक समान हो. ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. कानून की नज़रों में क्या है, सब एक समान है, कोई बड़ा छोटा ऊंचा नीचा नहीं है. दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाई द लॉ ऑफ द कंट्री. इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंट्री है, हमारे जो लॉ है कंट्री के, ठीक है, और कंट्री के जो पीपल है वो सबको एक समान देखेंगे और उसी तरीके से हर किसी को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे. It also states that no citizens can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex. ठीक है, इसका ये भी मतलब है कि किसी भी पर्सन को उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग, उसके कास्ट के अकॉर्डिंग या उसके सेक्स के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेज इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड्स, होटल, शॉप्स एक्सेट्रा. जितने भी पर्सन है उनको क्या होगा, जितने भी प्ले ग्राउंड्स हैं, होटल्स हैं, शॉप्स हैं, वो क्या, हर पर्सन हर जगह क्या कर सकता है, जा सकता है, किसी में भी उसके कास्ट, रिलीजन या सेक्स अकॉर्डिंग उसके साथ भेदभाव या उसको वहाँ से जाने के लिए नहीं रोका जाएगा. द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, स्टेट जो है, हमारा स्टेट जो वर्क करता है, जैसा कि हमने बताया हमारा स्टेट क्या है, हमारा फेडरलिज्म में दो तरीके से वर्क करती है, एक स्टेट लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे. जो हमारी स्टेट है वो किसी के भी एम्प्लॉयमेंट के मैटर में क्या करेगी, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि आप SC हैं, ST हैं, जनरल हैं, OBC हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. बट दीज आर एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन द बुक्स. वो एक्सेप्शंस आपको आगे के क्लास 11th या 12th में आपको मिलेंगे. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज ऑल्सो बीन अबॉलिश. जो अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत जैसा धर्म माना जाता था एक, उसको भी क्या कर दिया गया है, पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया है. राइट टू फ्रीडम, नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम. दिस इंक्लूड्स होगा द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इसके अंदर क्या आता है कि हमें पूरे बोलने का हक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी अपनी बातों को कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, बस वो वोलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी चीज़ का. द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, हम एसोसिएशन बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं. ठीक है, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस. ठीक है, हम
किसी भी कंट्री के पार्ट में जाके फ्रीली रह सकते हैं। हम ये नहीं कि हम अब कहीं पे भी किसी के घर में घुस के, अगर वो हमारी प्लेस है हमने उसे परचेस किया, हम कहीं भी परचेस कर सकते हैं, रह सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। और हम किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑक्यूपेशन को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं और काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको वो कानून जो हमारी है वो बराबरी से क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स। हो जैसे ट्रैफिकिंग जैसा चीज़ है, लेबर फोर्स लेबर्स है, बंधुआ मजदूर टाइप्स, और या जो बच्चे 14 साल से कम की उम्र में है उनको आप काम कराते हो तो आपको क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट है हमारा, हमें क्या है, पूरा अपने कोई भी रिलीजन को क्या करने, प्रैक्टिस करने का हक है। रिलीजियस फ्रीडम इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन। आप जिस भी रिलीजन से हो आप उसको मान सकते हो, आपको ये पूरी फ्रीडम दी गई है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, वो अपने जो भी प्रोफेस रिलीजन है उसको अपना मान भी सकता है, उसको लोगों को बता भी सकता है, दूसरों को मतलब प्रोपोगेट भी कर सकता है। ठीक है, उसकी चीज़ें मतलब आजू बाजू लोगों को बता सकता है, प्रोपगेट कर सकता है। ठीक है, अपने बन के रिलीजन को। नेक्स्ट है हमारा सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट, आज मेरा मोबाइल थोड़ा सा हैंग कर रहा है इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और एक्चुअली मैं बात ये भी है कि मैं थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ आज, इसलिए आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। फिर भी मुझे लगा मुझे क्लास 8 से स्टार्ट कर देना चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी माइनॉरिटीज या कोई भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक के लोग, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के, वो जिस लैंग्वेज के या वो किस जिस रिलीजन के, वो अपने रिलीजन या अपने लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, स्कूल चालू कर सकते हैं, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उनकी जो कल्चर का वो क्या हो सके, डेवलपमेंट भी हो सके और वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व भी रहे। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अगर चीज़ें क्या, अगर कल्चर को अपनाया ना जाए, लोगों को बताया ना जाए, तो वो कहीं ना कहीं खोने लगती है। ठीक है, लोग उसको नहीं जानते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। ठीक है, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज में ये फ्रीडम मिलता है कि आप कोर्ट पे जाके अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टेट में आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है या किसी ने भी आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है, तो आप कोर्ट में जाके आराम से उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, FIR कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को उनके सामने रख सकते हो। नेक्स्ट इज सेकुलरिज्म। सेकुलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। ठीक है, सेकुलर स्टेट का मतलब वो स्टेट होता है जहाँ पे स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को क्या करेगी, प्रमोट नहीं कर सकती। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, स्टेट के लिए हर रिलीजन क्या होता है, बराबर होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू अडहियर टू, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव दैट वी इलेक्ट टू रूल अस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि वो ये राइट देती है कि कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन हमारे पर रूल नहीं करेगा, जिसको हम चुनेंगे। ठीक है, वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है जिस रिलीजन का है वो रिलीजन को वो प्रमोट करेगा, नहीं, वो हर रिलीजन के लिए काम करेगा। फिर वो एक स्टेट का बंदा हो जाता है, और फिर वो जब स्टेट का बंदा हो जाता है तो उसके लिए कोई रिलीजन नहीं होता है, वो हर रिलीजन को इक्वली क्या करता है, इम्पोर्टेंस देता है, हर रिलीजन के लिए वो वर्क करता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था, मुझे लगता है चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं लो फील कर रही थी, अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हुआ बीच में, तो एक जो बार डिस्ट्रैक्शन आ गया उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट कोशिश करूँगी मैं दूसरा वीडियो में सही हो जाऊँ तब बनाऊँ।
मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के क्लासेस मिस ना हो, इसलिए मैंने ले लिया, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि मैं थोड़ी सी लो फील कर रही हूँ। और अगर इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के 6 to 12 NCERT के नोट्स, किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स या कोई भी सब्जेक्ट के आपके नोट्स चाहिए तो आप परचेज करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी।